चलो फ्रेंड्स, जनरल साइंस का 10वीं क्लास का एक छोटा सा टॉपिक एक अभिक्रिया है, क्लोशार अभिक्रिया। क्लोशार अभिक्रिया तो ये टॉपिक इसलिए लिया जा रहा है कि ये 10वीं क्लास में भी है, इसके साथ साथ ये बहुत सी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है। आरपीएससी, यूपीएससी वगैरह में छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्लोशार अभिक्रिया क्या है और इससे क्या उत्पाद प्राप्त होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो क्लोशार अभिक्रिया, इसमें आप देखेंगे कि साधारण नमक, साधारण नमक का जलीय विलयन बना है, जलीय विलयन प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसमें साधारण नमक का जलीय विलयन में विद्युत अपघटन करवाया जाता है। साधारण नमक का जलीय विलयन में विद्युत अपघटन कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस व हाइड्रोजन गैस प्राप्त। तो इससे संबंधित जो रिएक्शन होती है उसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगी NaCl प्लस H2O साधारण नमक का जलीय विलयन, और इसमें विद्युत अपघटन करवाया जा रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मुख्य उत्पाद होगा, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होगा या उत्सर्जन होगा। तो ये क्लोशार अभिक्रिया है, जो साधारण नमक होता है जिसे हम घर पर खाने के रूप में यूज करते हैं, उसका जलीय विलयन बनाते हैं, उसमें विद्युत अपघटन कराते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक प्रकार का क्या है, क्षार या क्षार क्षारक प्राप्त होता है, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। चलो इसको हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त होती है। जैसे मान लो ये कोई बर्तन और इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और ये है नमक का जलीय विलयन NaCl प्लस H2O और हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया। ये बड़ा डंडा जो बता रहा है वो धनात्मक, छोटा डंडा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो होता है एनोड, क्या होता है एनोड, और जो ऋणात्मक सिरा होता है उसे कहते हैं कैथोड या इलेक्ट्रोड, क्या कहते हैं कैथोड। जैसे इसमें विद्युत द्वारा प्रभावित की जाती है, साधारण नमक के जलीय विलयन का अपघटन शुरू हो जाता है और जो एनोड है इसका क्लोरीन गैस उत्सर्जित हो जाएगी या निर्मुक्त हो जाएगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त हो जाएगी, और जो विलयन रहेगा वो विलयन हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब इस क्लोशार अभिक्रिया से बनने वाले मुख्य प्रश्न ये हैं कि क्लोशार अभिक्रिया से मुख्य उत्पाद क्या बनाया जाता है। तो पहला ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो क्लोशार अभिक्रिया के लिए कच्चा पदार्थ क्या होगा, साधारण नमक, और कुछ विशेष नहीं है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है। अच्छी लगी हो तो आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद।